अपने बाप का किडनी बेच के आर पे खरीदा मालूम भाई, लड़ा निकल आज आप किया हम कौन देगा देखेंगे। अब आप चुनौतियों से तो लड़ सकते हो बट चूतियों से नहीं, तो ऐसे ही कुछ आज प्लेन पे हुआ। बहुत दिनों के बाद मैं स्क्वाड खेल रहा, अब इससे पहले आप लिटरली विश्वास नहीं मानोगे, मैंने दो डुओ और दो स्क्वाड खेले, दोनों डुओ में तो भाई हैकर आए, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं खेलना है, बहुत हो गया। फिर उसके बाद मैं स्क्वाड ट्राई करा, स्क्वाड में भी पहले हैकर ही मिले, बट फाइनली एक तीसरा मैच मिला जिसमें हमें हैकर नहीं मिला, बट मिला कौन तुम खुद देखना भाई। प्लेन पे ये बंदा धमकी देके बुलाने लग गया कि कोचिंग की आ जाओ, और कोचिंग की आने के बाद जो इसने हरकत की है ना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, खुद आप ही बोल देना। लेकिन गाइस कोचिंग की आके अगर हम इनको मार देते हैं तो आज यार एक रिवॉर्ड के रूप में ना एक लाइक तो बनता है, एंड अगर कोई भी चैनल पर आए तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। अब कोचिंग की आके देखो एक दिक्कत तो कभी ख़त्म नहीं होनी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी, भाई गन ही नहीं मिलती। बट आखिरकार एक बहुत लंबे समय की लूट के बाद मेरे को गन मिल जाती है। अब देखो जैसे हमें गन मिल जाती है तो उसके बाद हमारा टारगेट यही है भैया कि हमको अब इन बंदों को पकड़ना है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मैं इधर की तरफ आया क्योंकि वो वाली जो स्क्वाड थी ना वो यहीं कहीं कूदी थी। अब उस बंदे ने अपना नाम तो नहीं बताया बट लेकिन बुलाया ज़रूर था कोचिंग की, लेकिन खेलने के हिसाब से पता चल जाता है कि भैया कौन बंदा धमकी वाला था। तो जैसे हम लोग यहाँ आए, अब यहाँ पर फुट के साउंड सुनते रहना। अब मुझे खूब अच्छे तरीके से यहाँ से दो से तीन बंदों के साउंड आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ से एंगल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से एंगल लिया, मगर भाई साहब ये बंदे बिल्कुल झांक ही नहीं रहे थे। फाइनली मैंने डिसाइड करा कि चलो थोड़ा सा घूम के और इधर पे आते हैं, एंड तभी साउंड सुना आपने, मुझे साउंड आया कि दो बंदे कम से कम दो नहीं सॉरी एक बंदा ये शैक में जा चुका है। तो मैं पहले बाहर निकल के आया और यहाँ ये शैक का मैंने दरवाजा तोड़ा। अब जब यहाँ से कोई हरकत नहीं हुई तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि साउंड मुझे गलत आया हो, बंदा इस वाले घर में या फिर स्क्वाड हाउस में हो, एंड तभी दूसरी तरफ से भी भाई टैप टैप के साउंड आने लग गए। मतलब कतई कन्फ्यूजन, देख रहे हो एक तो ये पोचिंग की बुलाते हैं और उसके छुप जाते हैं। तो मैं इधर घूम के आया, तो मेरे को ये बंदा दिखाई दिया। अब ये बंदा भाई देखो लिट हो चुका था, इसको कुछ बॉडी शॉट पड़े। उसके बाद मैं जैसे ही आगे जाता हूँ भाई ये बंदा अपनी ही मौत के पास आ रहा था। नहीं समझे आप लोग, अभी देखिए। अब जैसे इसको नॉक किया हमें पता था कि इसके टीममेट आसपास हो सकते हैं, तो मैं काफी देर तक यहां पर टिप भी लेता रहा। उसके बाद मैं ऊपर गया, पता चला कि भैया यहां पे तो सिर्फ एक बॉट है। अब आप सोच रहे होंगे वो चैलेंज वाले बंदे कहां के जो छुपे हुए थे, उनका भी बताएंगे। अब मुझे आप लोगों से एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी पूछनी थी कि मैं जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ शाम को 4 बजे लोगों पे, वो मैं शाम को करूँ 4 बजे या फिर शाम को 7 बजे करूँ? और अगर आप में से कोई नहीं भी देखता है तो आप लोग भाई लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में आके मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सब्सक्राइबर रूम तो करता ही हूँ और स्ट्रीम भी करता हूँ जहाँ पे आरपी के भी होते हैं। अब समझे भाई साहब ये बंदे चैलेंज क्यों देके बुलाते हैं। भाई दो बंदे एक शैक के अंदर इस तरीके से बैठे हुए थे। फिलहाल जैसे मेरे को ये बात पता चली पीछे आया, गेंद फेंका बट गेंद से इनका कुछ नहीं हुआ। भाई देख रहे हो तुम, यही वो बंदे थे भाई, स्टाइलिश निंजा होगा या फिर होगा भाई साहब ये ताहिर, हा जो भी हो पता नहीं क्या है ये। तो गाइस जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा इसका जरूर जवाब देना कि 4 बजे स्ट्रीम करूं मैं आप लोगों के लिए या फिर शाम को 7 बजे, मतलब आप किस समय फ्री रहते हो, ठीक है। और उसके लिए मैं लोगों पे पोल भी जनरेट कर दूंगा या फिर अभी यही यूट्यूब कम्युनिटी टाइम में। फिलहाल ये सब छोड़ो, अब देखो चूतियों से तो हम लोग लड़ लिए, अभी चलते चुनौतियों से लड़ने। 6 फिनिश हो चुके मेरे को, तभी एक बॉट दिखाई दिया। अब जैसे मैंने इस बॉट को मारा, भाई ये कौन था भाई, हाफ एचपी छोड़ा इसने मेरे को। बट उसके अगले ही सेकंड में तुम्हारे भाई ने उसको ये मान लो कि 1 सेकंड में नॉक देके फिनिश कर दिया। फाइनली आते हैं भाई इस मिथिक गाड़ी के साथ में, मिथिक तो कम है ये हगती ज्यादा है भाई। अभी वहां फिसली थी, मेरे को सामने गाड़ी दिखी फिर फिसल गई। अब सामने से एक यूए जा रही थी इसलिए मैंने यहीं पे गाड़ी को रोका। भाई साहब
हेलमेट तो पूरा गया और एचपी देखो मेरी। अब सबसे पहले मैंने एक फर्स्ट एड लगाई और पॉल को बोला कि वो जल्दी से गाड़ी लेके बस दूसरा एंगल पकड़ ले, क्योंकि दो एंगल पकड़ लेंगे इनको मार देंगे। अब इन बंदों को लगा कि जो गाड़ी गई है उसमें दोनों बंदे गए, और यही तो मैं चाहता था कि मुझे यहां से दूसरा एंगल मिल जाए। और अब देखो अब जैसे मैंने एक को नॉक दिया तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, ये बस दो ही बंदे थे, लेकिन अगर उससे मुझे ये बात पता होती तो मैं रश कर देता, लेकिन मुझे लगता है पूरी स्क्वाड है, अभी लेटे होंगे बंदे, तो मैं स्मोक वगैरह करके आगे बढ़ता हूँ। और पॉल दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहा था। अब सबसे पहले मैं यहाँ के पत्थर को देखता हूँ, कोई यहाँ ना लेटा हो। और उसके बाद मैंने एक ग्रेनेड आगे फेंक दिया। एक बंदे को नॉक किया, अब प्री फायर दिया, शायद दूसरा भी नॉक हो जाए। एंड तभी पॉल ने दूसरे को फिनिश कर दिया। और तब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे दो ही बंदे थे, तो पता चला कि भैया यहाँ दो ही बंदे थे। और अब देखो हैकर के मामले में तो ये गेम कहीं ना कहीं निराशा दे ही रहा है हमको। बट एक चीज और देखो, ग्लिच, ये गाड़ी की स्पीड देखो, ये मैंने स्लो कर दी। भाई कौन से नशे हैं ये गेम के, लिटरली भाई क्या अगरबत्ती सूंघ ली है कि इस गेम ने, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर जो भी है, देखो अपनी गाड़ी पर दूर से कहीं से गोली पड़ रही थी, जिससे उन्होंने हमारा टायर फोड़ दिया। और उसके बाद में अब जिस बंदे को पॉल ने नॉक किया था, उस बंदे का जो टीममेट था बग्गी वाला, वो यहीं कहीं आ गया, मगर उस हरामी ने रिवाइव नहीं दिया अपने टीममेट को, हम उसे छोड़ के आगे तब भी रिवाइव नहीं दिया। अब हमें अंदाजा था कि वो इधर ज़रूर आया होगा, तो जैसे इधर बढ़ते तभी सामने से फायर आया। तो मैं समझ गया कि ये जो बंदे ने फायर किया है ना भाई, ये घर से तो नहीं किया, ये जरूर कहीं पहाड़ वहाड़ पे चढ़ा हुआ है और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना चाह रहा है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तभी दूसरे बंदे के फायर का साउंड आता है, और ये था M24 का जो किया है राइट साइड से। तो मैंने डिसाइड करा कि चलो पहले राइट वाले की तरफ बढ़ते हैं और राइट वाले का खेल ख़त्म करते हैं, उसके बाद लेफ्ट वाले को देखेंगे। अब जैसे मैं इधर बढ़ा, राइट वाला मेरे को ओपन में दिखाई दे गया। और इसको देखो, इसको पता ही नहीं है कि मैं किधर से फायर कर रहा हूं। अब इसके बाद जो दूसरा बंदा था, उसको यही नहीं पता था कि भैया आसपास एनिमी भी है और वो पीछे भी है, वो भाई अपना आगे फायर देने लगा था। और दूसरा बंदा जिसको मैंने पहले लिट किया था, बाद में इजी फिनिश कर दिया, लेकिन ये बंदे सामने वहां फाइट ले रहे थे, और मेरे को बंदा स्पॉट भी होता है, मगर ग्लिच से उसको शॉट नहीं पड़ रहे थे। फाइनली इनसे थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे फाइट लेते हैं, बट लेकिन जब इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं हाथ आ रहा था, क्योंकि ये बंदे एक तो भाई MK वगैरह थे इनके पास, और दूसरी बात ये भाई फाइट लेना चाह ही नहीं रहे थे। तो हमने डिसाइड करा कि चलो इन पे क्लोजिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सामने वाले घरों को देखना था, और सामने वाले घर से पहले हमें हिल देखनी थी, क्योंकि हिल से लेफ्ट में गाड़ी ठुकी पड़ी थी। और जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, बेचारा एक तो गाड़ी से कुचल गया और दूसरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब हम इस घर को चेक कर रहे थे जो सामने घर है, क्योंकि घर को चेक करके हम लोग हिल पे रश करेंगे। एंड तभी हिल वाला बंदा मेरे पे फायर करता है, मतलब वो बंदा नीचे आ चुका था। अब मैं समझ गया कि इस बंदे को कैसे मारना है। मैंने पॉल को यहीं पे छोड़ दिया, ली बग्गी और वॉच टावर पे सीधा रश कर दिया। अब सबसे पहले वॉच टावर पे आते ही मैंने ये देखा कि क्या भाई लेफ्ट वाले घर में कोई है कि नहीं, क्या पता एक आध स्क्वाड बैठी हो, बट यहाँ पर मेरे को कोई नहीं लग रहा था। और हाँ, अब अपना जो टारगेट है हम उसको इजी मार सकते थे। मैंने देखा कि बंदा ओपन से आ रहा है, और फाइनली भाई इस बंदे को मैंने निपटा दिया। पर मुझे अभी भी ये रिस्क था कि क्या ये वही MK वाला बंदा है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए सबसे पहले ने सील बनाई और अभी भी उसका वेट करता था कि क्या पता भाई MK वाला बंदा आएगा। बट फाइनली यहाँ पे कोई नहीं आया। और अब देखो भाई क्या सीन होने वाला है, मतलब बग्गी के ऊपर आप लोगों को पता है कि अगर हम बग्गी की गेट इन वाली सीट पे बैठ जाएं, दूसरी वाली सीट पे, तो हमें एंगल थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिख जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैंने ऐसे बग्गी मोड़ी, मुझे बंदे नहीं दिखाई दिए बट पॉल को दिखाई देगा, क्योंकि पॉल ऊपर बैठा था, उसके ऊपर एंगल थोड़ा सा ज्यादा था। अब जैसे मैं यहाँ पर आया भाई, सब दो बंदे मेरे सामने से भाग रहे थे।
दोनों बंदों को नॉक कर दिया, उनमें से एक को फिनिश कर दिया। अब जो नॉक बंदा था, क्या पता कि वो रिवाइव हो रहा हो वहाँ उन कंटेनर्स के पीछे, या फिर रिवाइवल के लिए जरूर निकलेगा। तो सही भाई, फाइनली मैं जैसे ही वापस जाता हूँ, मैं देखा कि भैया ओपन में आ रहे हैं। और अब बचते हैं चार बंदे। अब देखो एक स्कॉर तो नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों बंदों को नॉक करके हमने फिनिश किया। अगर हुआ तो दो डुओ हो सकते हैं, एक डुओ या फिर दो सोलो हो सकते हैं। खैर जो भी है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। तो हमने एक रोटेशन दिया और जैसे ही मैं रोटेशन लेके वापस आता हूँ, तभी देखिए सामने एक बंदा दिखाई देता है। भाई ये बंदा मेरे को इजी नॉक कर सकता था, बट छुपने के चक्कर में इसने फायर ही नहीं करा, और जिसके चलते ये बंदा मैं यहाँ पे मतलब इजी नॉक फिनिश हो गया। तो अब सिंपल है कि भैया एक डुओ बचा है और एक बचा है सोलो। तो मैंने पॉल को आगे स्पॉट करने के लिए भेजा कि अगर उसे बंदा दिखता है और उसके बाद मैं पीछे से स्लैमिंग कर दूंगा, तो हम उन्हें दो एंगल से घेर सकते हैं। ये रहा बंदा मेरे पास। फाइनली पॉल को एक बंदा स्पॉट हुआ। अब जैसे मैं इस बंदे के क्लोज पहुंचता हूं, तो ये बंदा जंप करने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इससे तो क्या ही फाइट लें, हम बाकी के बंदों को ढूंढते हैं। अब गाइस जो तुम दूसरा जो डुओ की फाइट देखने वाले, लिटरली आप लोगों को मज़ा आ जाएगा वहाँ के मेरे रिफ्लेक्सेस देख के। और कमेंट करके बताना कि तुम्हें यहाँ की रिफ्लेक्सेस कैसे लगे। अब जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पवन चक्की चल रही है, तो बंदे तो पक्का हो सकते हैं। तो मैंने पॉल के लिए यहाँ पे वेट करा, उसको बोला आने के लिए। अब जैसे पॉल आता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड तभी एक बंदा नॉक। अब कन्फर्म था कि दूसरा बंदा जरूर वहीं कहीं होगा, बट तभी देखो राइट से साउंड आता है। तो भाई कैसे लगे यहाँ पे तुम्हें ये रिफ्लेक्सेस, और दूसरे बंदे को तो प्रॉपर हेड दिए ना एक एक। भाई एक एक हेड पड़ने के बाद ना जिंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता। फाइनली गाइस 19 फिनिश हो चुके थे। अब ये बंदा था, पेन फाइट तो बनती है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा शॉट यहाँ पे बंदूकबाज ने मारा है, बंदूकबाज पड़ा है, बंदूकबाज को दो शॉट यहाँ पे पड़ चुके हैं। और गाइस मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन। लिटरली भाई बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है कि किसी मैच में हैकर नहीं है। खैर काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोलने लग गए कि भैया मैं हैकर के साथ खेल रहा हूँ। नाइस भाई, मेरा हर एक मैच आप लोगों को दिखा हुआ है, लोगों पर स्ट्रीम भी करी कहीं ना कहीं, बट फिर भी पता है बंदे भाई जिनसे खुद नहीं हो पाता ना, वो दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं, ये बात तो आप भी जानते हो। तो चलो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ बताना मेरे को लोगों पर शाम को 4 बजे स्ट्रीम करें या फिर 7 को। और अगर आपको नहीं पता स्ट्रीम भैया मैं करता हूँ तो आप भी आ जाना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं आरपी गेम भी करता हूँ, सब्सक्राइबर रूम भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ मतलब पूरा मज़ा आता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और नया मंथ आ चुका है तो नए आरपी गिवअवेज भी आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, मैं जब भी लाइव जाता हूँ इंस्टा पे स्टोरी डाल देता हूँ या कुछ भी और नेसेसरी चीज़ होती है। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर यू गाइस, बाय बाय।